उन्होंने वही किया जो हमेशा उनके विरुद्ध जाने वालों के लिए करते हैं। अच्छा। और मेरे साथ वही उन्होंने किया। साबिर जी एक सवाल, अगर उसको क्लैरिटी के साथ आप बताएं कि राज्यसभा सदस्यता आपकी खत्म हो रही थी आपका, बिल्कुल 2000 तो आप दोबारा पार्टी की तरफ से आपको नहीं, देखिए भरोसा दिलाया हमको नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा भेजा नहीं था, मैं स्वयं के सीट को रिजाइन करके दोबारा मैं आया था, तो मैंने एक राज्यसभा सीट नीतीश कुमार को बढ़ा के दिया था, उसमें नीतीश कुमार का ना उपकार था न उनकी मेहनत थी न उनकी कोई उसमें हमारे साथ सहयोग था। हमारा उनका ये बात तय था कि दोबारा 2014 जब मेरा टर्म खत्म होगा, और मुझसे नहीं भरे सभाओं में भी नीतीश कुमार कहा कि साबिर अली को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा, और इनका वादा था। और 2014 के जनवरी में 20 तारीख से पहले उन्होंने कहा कि आप तैयारी रखिए, और 20 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है और ऐसे सीट से लड़ना है जहां आरजेडी एक मुस्लिम को टिकट अनाउंस कर दिया था। मैंने कहा कि देखिए लड़ने में हमें तरीके नहीं, मैं लड़ने वाला आदमी हूं, लेकिन आप हमको पहले कहते, हम अपनी तैयारी करते, हमको सीट बताते, मेरा जो सीट है अगर लड़ना भी है तो मैं जहां का रहने वाला हूं वहां आप कताइए, वहां आप किसी आदमी इम्पोर्ट करके आप दे दोगे और हमको कहीं और भेज दोगे, साफ जाहिर है कि आप मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहते हो, आपको खत्म करना है तो ठीक है आप नहीं कॉल ले लोगे मैं ले लूंगा। मैं सियासत में आपको एक बता दूं, मैं सियासत कभी डर के, चाहे मैं जहां भी रहूं मैं सियासत डर के नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर ने जन्म दिया है और मर्द बना के भेजा है तो हमारे अंदर वो किरदार भी होना चाहिए,